दिक्कत तो देता है भाई, साफ सीधी बात है, दिक्कत तो ये काफी सारे बच्चों को देता है, और हम लोगों ने जब अपनी प्रिपरेशन करी थी तो हमें भी दिया था। तो क्या इसका मतलब इससे डर जाए? नहीं, इसको सॉल्व करके आगे बढ़ा जाए, राइट। तो आज का सेशन है हमारे पास कि हमें नेगेटिव मार्किंग कैसे रोकनी है। मैं राजवंत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं इस छोटे से सेशन में, जिसमें हम लोग सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे और आप अपनी प्रॉब्लम्स को इससे रिलेट करके उसके रेमेडीज भी फाइंड कर सकते हैं, राइट। जब मैं अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहा था बेटा, 2007 में मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट करी थी, तब से मेरे साथ, हर स्टूडेंट के साथ यार, इवन टीचर्स आज तक गलत करते हैं, राइट, हमसे भी गलतियां होती है, लेकिन हमें पेपर आज नहीं देना, अब नहीं देना। तो मेरा ये मानना है कि जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे तो हमसे गलतियां हो रही थी, लेकिन रैंक तक मैं इसीलिए पहुंच पाया क्योंकि मेरे से जो गलतियां हो रही थी मैं उसका एनालिसिस कर रहा था और मैं ये देख रहा था कि इसको कैसे इंप्रूव किया जाए। तो चलिए चला जाए कि आज हमारे पास नेगेटिव मार्किंग कहां कहां से आती है। कुछ बच्चों को यह लगता है कि नेगेटिव मार्किंग सिर्फ कैलकुलेशन से आती है, जैसे मेरे को उस समय लगता था, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी मैंने अपने रेगुलर टेस्ट दिए थे, जो आप नहीं देते होंगे मैं मानता हूं, लेकिन आप देंगे तभी समझ आएगा कि किस पैरामीटर से नेगेटिव हो रहा है। तो जब मैं रेगुलर टेस्ट देता था तो मेरे को पता लगा कि मेरे हमेशा कैलकुलेशन गलतियों की वजह से ही गलत हो रहा है। मैं आंसर क्वेश्चन पढ़ता सही हूं, अप्रोच सही लगाता हूं, कैलकुलेशन घटिया करता हूं, आंसर निकाल के टिक कर देता हूं। तो मेरे को जब ये पता लगा तो मैंने अपने आईआईटी के टाइम पे घुसने से पहले अपने से ही कसम खाई कि भाई राजवंत आज नहीं, आज नहीं। मींस हर एक स्टेप उतना ही इंपॉर्टेंट है भाई। तो मैंने अपने आप को हर स्टेप पे रिपीट करा, नहीं 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 नहीं, प्लस इधर ले जा रहा हूं तो प्लस होएगा या नहीं होगा, इधर ले जा रहा हूं तो माइनस होगा या नहीं होगा, स्क्वायर रूट ले रहा हूं तो दोनों साइड कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, मींस हर एक चीज पे आपको फोकस करना है। तो हमारे पास सबसे पहले देखा जाए तो नेगेटिव मार्किंग हिट कहां से होती है, वो होती है आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड से। अगर आप एग्जाम के हॉल में जा रहे हैं और लास्ट मोमेंट पे पहुंचे हैं, थकते थकते है ना, आखिरी मोमेंट में घुसे हैं, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ठीक नहीं होगा, ठीक है, उसकी वजह से भी गलतियां हो सकती है। आपने क्वेश्चन गलत रीड करा, हो गई गलती। रिकॉलिंग, टीचर ने पढ़ाया था वर्क, आपने समझा फोर्स या फिर पावर, आपने कंसेप्ट ही गलत पढ़ रखा है, तो ये हो गया। कंसेप्ट बिहाइंड द अप्रोच, क्वेश्चन को अप्रोच करते समय, सॉल्व करते समय पहला स्टेप आप क्या सोचते हैं, वही गलत सीखा है तो वहां गड़बड़। कैलकुलेशन मेरे जैसे, और सिलेक्शन ऑफ आंसर, बहुत सारे बच्चे आंसर गलत सेलेक्ट करके खुशी खुशी माइनस वन लाते हैं। तो हमारे पास दिन रात आपने मेहनत करी है, तो मेरा यह मानना है बेटा जितनी मेहनत आप मार्क्स को जोड़ने में लगा रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत उसको टूटने से रोकने में भी लगाई है, ठीक है। तो वो आपके आते हुए क्वेश्चन ही आप गलत करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा नहीं है कि टफ क्वेश्चन आपकी नेगेटिव कराता है, नहीं नहीं नहीं, जो आपको आता है वही आपकी नेगेटिव कराता है। और मेरे टाइम में, जब मैं अपने टाइम में था, तो 2009 में मेरे क्लास में आईआईटी का टॉपर था नितिन जैन फ्रॉम फरीदाबाद, ठीक है, और वो, उसने मेरे को बताया कि कैसे रोका जाता, वो नेगेटिव ही नहीं करता था, नेगेटिव होते ही नहीं थे, ठीक है। तो मैं आपको वहां से कुछ चीजों के बारे में बताऊंगा कि अपनी मेहनत के साथ साथ एक अलग डायरेक्शन में भी देखना होता है कि यार ये भी चीज ना खराब हो, तभी रैंक बनती है। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड, किस तरीके से आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड खराब होता है, तो लैक ऑफ फोकस, हो सकता है आपने रेस्ट ना लिया हो एग्जाम से पहले, ठीक है, आप इंपेशेंट हो, और लास्ट मिनट का रश, आखिरी मोमेंट में पहुंचे, पापा ने पानी की बोतल बिल्कुल लास्ट मोमेंट में दी तुम्हें, ठीक है, तो आप टेंशन में थे। फियर, डर हर बच्चे में भरा पड़ा है ना, वो अदर पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं, कोविड का टाइम है, मैं मानता हूं कईयों के साथ दिक्कतें थी, हमारे साथ भी दिक्कतें थी, लेकिन वो बैक ऑफ द माइंड अगर आपके है उस एग्जाम हॉल के अंदर भी, तो आपका थॉट प्रोसेस एग्जाम के साथ अलाइन कई बार नहीं करता है, ठीक है। फियर ऑफ रिजल्ट, आते हुए भी कुछ बच्चों को लगता है हमसे नहीं हो पाएगा, गैंग्स ऑफ वासीपुर ज्यादा देख रखी होती है तो उनको लगता है कि नहीं हो पाएगा, तो उसकी वजह से भी क्वेश्चन खराब होता है। तो सर क्या करें, बताओ सर, आ जाओ, बेसिक सी चीजें, ये आपको पता है, फिर आता हूं मेन चीज। कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ, बेटा जब मैं आईआईटी के टाइम पे गया था, मैंने आपको बताया, मैं बार बार अपने आपको रिमाइंड कर रहा था, मुझे उस कॉलेज में जाना है, मुझे उस कॉलेज में जाना है, गलती नहीं करनी है। तो आपको रिमाइंड कराना पड़ेगा कि ये अटेम्प्ट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये पेपर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आपको फोकस बनाना पड़ेगा। एग्जाम से पहले एक डेढ़ घंटे या दो तीन घंटे पहले फालतू की किसी भी चीज से इंटरेक्ट मत करिए, आप अपने पे फोकस करिए कि ये एग्जाम आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बीइंग प्रैक्टिकल, हो सकता है आपके साथ बहुत सारी इश्यूज हो, ठीक है, जो शायद मैंने आज तक नहीं फेस करी हूं, और वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन वो तीन घंटे बेटा आपको एक अच्छे कॉलेज तक ले जा सकते हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग आप एक बार प्रैक्टिकल होके सोचिए कि क्या वो लाइफ की प्रॉब्लम्स इस तीन घंटे को सही में खराब करेंगी, हाँ या ना, और आपको जवाब मिल जाएगा।
ठीक है, क्या ये 3 घंटे मैं उसको सोच के और खराब करूं, या ये थोड़ी देर के लिए उसको साइड कर लूं, फिर मैं जिंदगी भर उससे लड़ूंगा, लेकिन ये 3 घंटे मैं शिद्दत से पेपर दे दूं तो हो सकता है मेरा आगे का एक पड़ाव और क्लियर हो जाए, राइट। मेडिटेशन प्रूवन फैक्ट है, जो लोग मेडिटेट करते हैं वो अच्छे से फोकस कर पाते हैं, और भले वो एग्जाम ही क्यों ना हो। तो दिस इज अ माइंड गेम, नो डाउट, कोई भी कॉम्पिटिशन एक माइंड गेम कॉम्पिटिशन है आपका। अगर आपका माइंड हेल्दी है तो फर्स्ट स्टेप आपका क्लियर होता है, राइट। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड आप इस तरीके से अपने को इंप्रूव कर सकते हैं। दूसरा, वेज ऑफ अटेम्प्टिंग एन एग्जाम। मैंने जब नितिन जैन से डिस्कस किया था तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई एग्जाम दिया कैसे जाता है, ठीक है। कई बच्चों का लास्ट में पेपर छूटता है, कई बच्चों का हो सकता है आते हुए कॉन्सेप्ट्स को गलत तरीके से लगाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई हर क्वेश्चन 4 मार्क का है और हर क्वेश्चन गलत करने पे -1 मिलता है, बराबरी इक्वालिटी है ना, इंडिया के जैसे। वही चीज आपको देखनी है, जो आसान चीज है बेटा। आपको लगता हो कि आप फिजिक्स बहुत अच्छे से जानते हो, केमिस्ट्री थोड़ी बहुत जानते हो और मैथ्स बिल्कुल नहीं जानते, या हो सकता है फिजिक्स नहीं जानते हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि उस साल फिजिक्स का पेपर सबसे टफ हो और मैथ्स का आसान हो, ठीक है। बेसिक इंफॉर्मेशन से भी आप क्वेश्चन कर पा रहे हो, तो आप उस पड़ाव को गलत तरीके से पकड़ लिए, ठीक है। आप अपना सारा इंटरेस्ट की वजह से फिजिक्स में लगे पड़े हो, इंपेशेंट हो रहे हो, और जब मैथ्स की बारी आई तो आप इतने इंपेशेंट हो चुके थे क्योंकि जो आपको सबसे अच्छा आता था वो आज धोखा दे गया है ना। तो मैथ्स आपसे कहां बनेगी, टेम्परामेंट खराब हो चुका होगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होगा, आसान क्वेश्चन भी गलत होने स्टार्ट होंगे। तो फिजिक्स तो गया ही, मैथ्स भी जाने दिया आपने। तो पेपर हमेशा बेटा आपका, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या बायो से नहीं देखता, मैं देखता हूं इजी मीडियम एंड टफ। उसने बोला कि भाई हमारा जो तीनों पेपर, कोई भी सब्जेक्ट होता है उसमें इजी पोर्शन भी होता है, मीडियम भी होता है, टफ भी होता है। सबसे पहले करना होता है इजी, क्योंकि कम टाइम में आप उसको कर पाते हैं और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। कई बच्चों के साथ हुआ होगा कि पहला दूसरा क्वेश्चन अटक गया और आप उसी के ऊपर टाइम लगाने के बाद इंपेशेंट हो गए, कहते यार मेरा पूरा दिमाग खराब हो गया, टेम्परामेंट खराब होने से एग्जाम चला गया, नेगेटिव हुए बहुत सारे। तो आपको इजी क्वेश्चन पता होने चाहिए। इजी क्वेश्चन ये नहीं कि टॉपिक फोर्स आता है सर तो फोर्स इजी है, नहीं, क्वेश्चन आपने पढ़ा, अप्रोच आपको पता था, कॉन्फिडेंटली आपने सॉल्व किया, आंसर आया, कॉन्फिडेंटली आपने मार्क किया, दैट वाज इजी। हो सकता है आपने फोर्स बहुत अच्छे से पढ़ा हो लेकिन फोर्स का क्वेश्चन सबसे टफ हो, उस पेपर का सबसे टफ क्वेश्चन वही हो, आप करने बैठे नहीं हुआ, दैट वाज टफ, ठीक है। दैट वाज मीडियम, करने लगे, इंटरेस्ट था। टफ क्या होता है, देखते ही हवा तक नहीं लगी क्वेश्चन बोल क्या गया, राइट, वो होते हैं टफ। तो उनको तो छोड़ ही दो क्योंकि वो तो कराएंगे। नेगेटिव आपकी कौन करा रहा है, नेगेटिव आपकी करा रहा है ये, जो आप अटेम्प्ट कर रहे हो वही तो नेगेटिव करा रहा है। तो आपको फोकस किस पे करना है, जो आपको आता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इजी और मीडियम को क्वेश्चंस पे फोकस होना चाहिए, ठीक है। जो आपको लग रहा है कि ये आता है और फोकस, क्योंकि नेगेटिव यहीं से आता है। तो रिमेंबर ईच क्वेश्चन हो गया, स्टार्ट विद इजी, देन लेटर टफ, इजी मीडियम टफ, मल्टीपल राउंड्स। इससे क्या फायदा होता है कि आप मल्टीपल राउंड्स बेसिकली क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू कर लेते हैं, और मल्टीपल राउंड्स में गो थ्रू होने के बाद हमारे पास आपको कई बार एक क्वेश्चन रिपीटेटिव फॉर्म में आप पढ़ चुके होते हो, तो कई बार अगर गलती होती है तो पकड़ में आ जाती है, तो नेगेटिव रुक जाता है। नो सब्जेक्ट इज टफ, नो सब्जेक्ट इज वेरी इजी, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन पेपर सेट बाय द एग्जामिनर। तो अगर मैं यहां पर बात करूं बेटा कि कोई भी पेपर में कोई भी सब्जेक्ट आसान नहीं और कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं होता, उसमें हमेशा इजी मीडियम और टफ का एक रेशियो होता है। तो आपको क्या फोकस रखना है कि आपके इजी और मीडियम के मार्क्स आप स्कोर करें कॉन्फिडेंटली, राइट। तो ये आया, अब कोई भी क्वेश्चन, मैं एक एग्जाम्पल लिया है फिजिक्स का, हो सकता है आप फिजिक्स के स्टूडेंट ना हो, ठीक है, लेकिन जब कोई बच्चा क्वेश्चन पढ़ता है और अगर उसको वो आता है तभी नेगेटिव उत्पन्न होता है ना। बॉडी इज डिस्प्लेस, जैसे एग्जाम्पल दे दिया, हो सकता है वो कोऑर्डिनेट गलत पढ़ ले, देखो गलती कहां होती है, कोऑर्डिनेट गलत पढ़ लिया, ठीक है, फोर्स दे रखा था, और देखो जे कैप और आई कैप, जिनके पास फिजिक्स से रिलेट कर पाएंगे, हम लोग जनरली ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है, कईयों को आदत है, उनको लगता है ऐसे ही पूछा जा सकता है, एक्स तो हमेशा आई के साथ होता है, वाई तो हमेशा जे के साथ होता है, क्वेश्चन में आईआईटी का एग्जाम्पल है उल्टा दे रखा है। ये उन बच्चों के लिए दे रखा है जो फोकस के साथ नहीं दे रहे थे, टेम्परामेंट खराब है, ठीक है, आंसर मिल जाएगा, सॉल्व करोगे इसी तरीके से, अगर कोई इसको लेके चलेगा आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन दे रखा, जरा देखो, 6/5, 5/6, 4/3, 3/4, मींस हमारे पास ऑप्शन भी आपको ऐसे दे रखें कि अगर आपने जल्दबाजी में मार्क करा तो हो सकता है गलती हो जाए,
ठीक है, आते हुए क्वेश्चन को, ये आता होगा तभी आप अटेम्प्ट करोगे, तभी आप गलत करोगे, तभी आप नेगेटिव पाओगे, इसीलिए तो लगा रखा है माइनस वन, है ना। तो कहां कहां गलती होती है, जब आप क्वेश्चन रीड करते हैं सबसे पहली गलती वही होती है, आप पैरामीटर्स को ध्यान नहीं दे रहे होते, राइट। रिकॉलिंग ऑफ कंसेप्ट, क्वेश्चन में पूछा गया है वर्क, आपको कुछ और लगा, आपने कुछ और सॉल्व कर दिया, आंसर मैच हो गया, गया, वो तो खुशी की बात है आंसर ना मैच हो, है ना। मेथड ऑफ अप्रोच, आपको टीचर ने बताया था, फॉर एग्जांपल जो फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं, फोर्स वेरिएबल है तो वर्क डन इंटीग्रेशन से आएगा, फॉर एग्जांपल एक कंसेप्ट एक टीचर ने आपको बताया था कि अगर ऐसा होता है तो ऐसे करा जाता है, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, आपने अपनी नॉलेज लगा दी, ठीक है, और अपने अप्रोच से चले गए, आपका अप्रोच ही गलत था क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन से होना था, आपने डायरेक्टली कर दिया, ठीक है, या कोई और मेथड लगा दिया, या कोई और ऐसा घटिया ट्रिक लगा दिया जो यहां पे एप्लीकेबल नहीं था, तो आपका क्वेश्चन यहां गड़बड़ होता और आंसर मिल गया होता तो खुशी की बात है। कैलकुलेशन, मेरे जैसे जिनसे कैलकुलेशन गलती होती है, प्लस का माइनस कर दिया, ब्रैकेट ओपन करने पे माइनस नहीं मल्टीप्लाई करा, स्क्वायर नहीं करा, स्क्वायर रूट नहीं लिया, ठीक है, हो सकता है आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं लिमिट्स गलत डाल दी, इक्वल टू गलत कर दिया, हो सकता है। फिर मान लो आपने सारे पड़ाव क्लियर कर दिए और आखिरी में आंसर मार्क करने की बात आई तो तुम खुशी खुशी, फोर का आंसर आपको मार्क करना था सपोज बी, ठीक है, आंसर आया आपका, ठीक है, यहां लिख देते हैं, आंसर आया आपका 6/5, आपने मार्क करना था बी उल्टा, क्योंकि हमारे बच्चे, ठीक है, और आपने ये भी करा, हो सकता है आंसर 6/5 आना था, आपने गलत पढ़ा 5/6, चलो एक क्वेश्चन खराब होता, लेकिन हमारे बच्चे बहुत तेज होते हैं, ये क्वेश्चन नंबर वन था, आपने टू में मार्क कर दिया, लो बेटा दो क्वेश्चन गए, ठीक है, तो आपका लास्ट में सिलेक्शन ऑफ आंसर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो ये सारे पैरामीटर्स, अब आपको क्या है ना, मेरे को पता था मेरी गलती यहां होती है, हो सकता है कुछ बच्चों की यहां हो, कुछ की यहां हो, कुछ की यहां हो, कुछ की यहां हो, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि दिक्कत कहां है, वो आपको प्रैक्टिस से पता लग रहा होगा, तो उसका रेमेडीज हम लोग डिस्कस करते हैं फास्ट फास्ट। पहला, क्वेश्चन रीड करने में कई बच्चों को था, सर एक क्वेश्चन कई बार रीड करना पड़ता है तब समझ आता है, सर एक बार क्वेश्चन रीड करके समझ ही नहीं आता है, ठीक है, सर मेरे को क्वेश्चन रीड करने में बहुत समय लगता है, सर मेरे को क्वेश्चन बड़ा देखते ही पढ़ने का मन नहीं करता है, इसका इलाज है, इसका इलाज यह है कि आपकी रीडिंग हैबिट खराब है। आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं या कुछ भी, अगर आपकी रीडिंग की हैबिट है तो आपके अंदर पेशेंस है, ठीक है, आप एक बारी में पढ़, जैसे जैसे आप पढ़ते रहेंगे तो आपको एक बारी में पढ़ के समझ आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जब आप पेपर को भी पढ़ते हैं, ठीक है, तो कई बार मल्टीपल रीडिंग क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि आपका फोकस नहीं होता है, राइट, आपकी हैबिट नहीं है पढ़ने की। तो अगर आपकी रीडिंग की हैबिट है तो उन बच्चों को जिनके पास ये रीडिंग की हैबिट है उनके साथ ये दिक्कत नहीं होती, मल्टीपल टाइम रीडिंग की दिक्कत नहीं होती उनको, ठीक है, एक बारी पढ़ेंगे एक बारी में समझ आ जाएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आता है या नहीं आता वो अलग बात है, ठीक है। स्पीड ऑफ रीडिंग, कई बच्चों को सर क्वेश्चन पढ़ने में ही इतना समय लग जाता है, आंसर कहां निकालेंगे, राइट, अगर आपकी रीडिंग की पहले से ही हैबिट है तो आप जल्द से जल्द पढ़ के उसके इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। रिड्यूसेस मल्टीपल टाइम रीडिंग, तो हमारे पास यही है जो कई बच्चों को होता है, सर बड़े पैराग्राफ कॉम्प्रीहेंशन टाइप तो होते ही नहीं, बड़े इतने बड़े बड़े होते हैं, बेटा उसका इलाज यही है, आप अपने अभी से कुछ ना कुछ रीड करने की आदत डालिए, बड़ी बड़ी चीजें रीड करने की आदत डालिए, आर्टिकल्स पढ़िए, ठीक है, उसका इलाज यह है, और फ्री टाइम पे पढ़िए, ठीक है। अगला, रिकॉलिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से करी है, लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट रिकॉल करने में दिक्कत नहीं आती। प्रैक्टिस ऑफ टॉपिक्स, आप हमेशा टेस्ट दीजिए, टीचर क्यों कहता है टेस्ट दीजिए, आपकी बेइज्जती करने के लिए या आपको आपके पेरेंट्स से पिटवाने के लिए, नहीं, इसलिए देता है कि जब आप गलती करते हैं तो आपको पता लगता है कि ये तो मुझे आता था लेकिन गलत आता था, ठीक है, या तो ये मुझे आता था और मैंने गलत कर दिया, ठीक है। तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट देते हैं, तो आपको गलतियों से सीखने को मिलता है, ठीक है। तो आप हमेशा प्रैक्टिस करिए, प्रॉपर रिविजन करिए, ठीक है, रिवीजन नहीं होता तो कॉन्फिडेंस डाउन होता है, कुछ बच्चे इसलिए टेस्ट नहीं देते या फिर एग्जाम में टेम्परामेंट खराब होता है, यार हमने रिवाइज नहीं किया पूरा, ठीक है। आप 10 साल ले लो, 10 क्या 20 साल ले लो, और फिर भी अगर आप एग्जाम दोगे, एग्जाम से पहले आपको हमेशा लगेगा कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये फोकस और टेम्परामेंट का गेम है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स हमेशा बना के रखा करो कि जिससे आप कम टाइम में रिवाइज कर लो, एटलीस्ट आपका ये टेम्परामेंट क्लियर हो कि आपका रिविजन हो गया है, ठीक है, तो रोना पीटना कम होगा।
और अपने फोकस रखो हमेशा एम पे, ठीक है, कि आपको कहां पहुंचना है, इसलिए प्रैक्टिस करते रहो, तभी आपके कंसेप्ट सही रहेंगे। अप्रोच, मेथड ऑफ अप्रोच, कई बार आपने देखा होगा टीचर के पास डाउट लाए, टीचर ने देखा है ए आंसर, तुम्हें लगता होगा भाई दो दिन से सॉल्व कर रहा हूं मेरे को तो नहीं आया, वही कंसेप्ट लगा दिया सर ने, कैसे लगा दिया। एक्चुअली में टीचर क्वेश्चन देख के ये देखता है कि इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, क्वेश्चन में करना क्या है, तुम ये देखते हो टीचर ने करा क्या, आंसर क्या आया, रट ले क्या, फॉर्मूला बना ले, ट्रिक बना ले, यही करते हो तुम। जेई या कोई भी कॉम्पिटिशन में बेटा मेथड ऑफ अप्रोच टीचर के लिए आसान इसलिए है क्वेश्चंस करना तुम्हारे से कंपैरेटिवली, क्योंकि वो अप्रोच पे फोकस करता है कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, कैलकुलेशन कर ली जाएगी लेकिन पहला स्टेप आपका होता है अप्रोच का। तो जो बच्चे क्वेश्चन में अप्रोच ही गलत लगाते हैं, डिफ्रेंशिएशन करना था इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ग्राफ का एरिया देखना था आप स्लोप देख रहे हो, ये होती है अप्रोच, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स देखना था तो आप कुछ और देख रहे हो, राइट। तो अगर आप फर्स्ट स्टेप एनालिसिस करते हो हर क्वेश्चन की, मींस क्वेश्चन स्टार्ट कहां से हुआ, टीचर ने कहां से इंफॉर्मेशन लेके स्टार्ट किया, अगर आप इस पे फोकस करते हो तो आप पहला स्टेप गलत नहीं करोगे, राइट। कंसिडरिंग ऑल द पैरामीटर्स ऑफ द क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस थिंग इज रिलेटेड टू योर रीडिंग। जब आप क्वेश्चन रीड करते हो तो आप सारे पैरामीटर्स को ध्यान नहीं देते कि ओरिजिन से गया था कहां गया, ठीक है, फोर्स कैसे लगाया, वेरिएबल है कांस्टेंट है, आप पैरामीटर्स को ध्यान नहीं दे रहे, और जब आप पैरामीटर्स को ध्यान नहीं दे रहे तो अप्रोच तो गलती आएगी, है ना, कहां से तुम्हें चार मार्क दे दे। अगला कैलकुलेशन जो हमारे ऊपर था, ये हमने खुद से कर करके थोड़ा सा सुधारा, अभी भी नहीं सुधरा है, परफेक्ट तो अभी भी नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन सुधारने का एक जज्बा होना चाहिए। जिन बच्चों को लगता है कि उनका कैलकुलेशन पार्ट की वजह से गड़बड़ होती है तो आप अभी से स्मार्ट कैलकुलेशन करिए। गलती क्या होती है कि आप स्टेप्स को स्किप करके समय बचाने की कोशिश करते हैं, और स्टेप को जब स्किप करते हैं तो क्वेश्चन ही स्किप हो जाता है ना, नेगेटिव आ जाता है। तो आप स्मार्ट कैलकुलेशन करिए, दो तीन स्टेप माइंड में चलाइए लेकिन उसकी प्रैक्टिस डाल लीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज तक खुल खुल के एक एक स्टेप से कैलकुलेशन करी है और एग्जाम में जाके बॉन्ड बन रहे हैं, दो तीन स्टेप उड़ा के सीधे आंसर निकाल रहे हैं, गलत होएगा, ठीक है। अपना समय बचाने के लिए स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स और कुछ लॉग वैल्यूज या बेसिक पैरामीटर्स जो जरूरत पड़ती है उनको डायरेक्टली याद कर लीजिए, क्योंकि वो समय बचाएगा, समय बचाएगा तो आखिरी में आपका टेम्परामेंट आखिरी क्वेश्चंस को करने के लिए सही रहेगा, आप उनको गलत नहीं करेंगे। फोकस ऑन दिस, ये मेरे साथ सबसे बड़ी गलती होती थी, इक्वल टू के इस साइड ले जाओ तो प्लस का माइनस करना भूल गए, ठीक है। L1 by L2 पूछा है, मैं L2 by L1 निकाल के रिपोर्ट कर दिया, इस टाइप की गलती मेरे से टेस्ट में बहुत होती थी। करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है और जिंदगी भर करेक्ट ही ढूंढा था तो इनकरेक्ट पे मार्क्स गवा दिया, वो तुम्हारे साथ भी हुआ होगा, ऐसा नहीं है तुम नहीं बचे हुए, है ना। तो फोकस ऑन दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से गलतियां स्टार्ट होती है, और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस टाइम डिमांडिंग होते हैं, भले ही वो आसान हो, आसान मींस कि आसानी से हो जाएंगे लेकिन स्टेप्स से ही उनको सॉल्व करने के लिए, बेसिक कंसेप्ट है स्टेप्स से ही, तो आप इंपेशेंट मत हुए कि यार डेढ़ मिनट में ही तो क्वेश्चन करना होता है, ये टाइम पैरामीटर सेट कर दिया पता नहीं किसने बच्चों के दिमाग में, ऐसा कुछ नहीं है, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सही करके आने हैं, आपका रैंक आ जाएगा, ठीक है। जो आपको आता है शिद्दत के साथ आपको जाके सही करेंगे तो आपका रैंक अपने आप आ जाएगा। तो कई बार कुछ क्वेश्चन टाइम डिमांड करें तो इंपेशेंट मत होइएगा, उसको टाइम दे दीजिए, लेकिन ये भी नहीं, सर ने बोला था इंपेशेंट नहीं होना, एक घंटे से लगे पड़े हैं कि क्वेश्चन पे, मतलब थोड़ा सा टाइम ज्यादा मांग रहा है दे दो, लेकिन अगर आपको लगे नहीं यार अब ये एक्सीड कर रहा है, ठीक है, रोक के आगे बढ़ो, इजी क्वेश्चन खत्म करो, समय बचेगा तो वापस देखेंगे, ठीक है। तो कई बार समय देना भी सही रहता है, ठीक है। नो डाउट यू हैव टू कंप्लीट योर होल पेपर इन टाइम, बट यू हैव टू कीप बैलेंस बिटवीन स्पीड एक्यूरेसी एंड पेशेंस। तो आपको स्पीड जब मेंटेन करनी है एक्यूरेसी और प्रिसीशन के साथ, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन कब खराब होती है, जब आप इंपेशेंटली जल्दी जल्दी कर रहे हो, समय नहीं है, खटाखट 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 कर रहे हो, तभी गड़बड़ होती है। 2+2 सभी को पता है 4, लेकिन 2×2 और 2×3 कुछ और कर रहे होते हैं, 2×3 या 5 कर दो, क्योंकि आप उस समय उस स्टेप पे फोकस नहीं कर रहे। तो मैंने जब ये अपने टाइम दिया था तो मैं हर स्टेप पे, जिन बच्चों के साथ कैलकुलेशन का इशू है मैं बता दूं बेटा, मैं हर स्टेप पे अपने आप को रिमाइंड करा रहा था, भाई आज नहीं कल कर लेंगे, पहले भी बहुत करा है, आज नहीं बस, ठीक है। तो उस दिन मत करना, अपने आप को रिमाइंड कराना अगर ये वाली दिक्कतें हैं।
नेक्स्ट और लास्ट सिलेक्शन ऑफ आंसर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने पूरी मेहनत एक क्वेश्चन पे करी, समय लगाया, ठीक है, हो सकता है उसके उसके लिए आपने कितनी किताबें, कितने टॉपिक्स पढ़े, कितने लेक्चर्स देखे, कितने डाउट्स पूछे, लेकिन अगर आपने आंसर सही से मार्क नहीं करा तो वो कतई बहुत सारे घंटे आपके सब बर्बाद होते हैं एक एक के साथ. ठीक है, तो मैंने आपको हमेशा कहा कि इजी, मीडियम और टफ, तीन सेगमेंट में पेपर होता है. इजी फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, मैथ्स में भी, बायो में भी. ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो. ठीक है, तो आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले इजी सबके करने हैं, फिर मीडियम के करने हैं, फिर टफ समय मिला तो. ओके, तो जो आसान क्वेश्चन होते हैं जिनको आप कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, आसान क्वेश्चन में ओवर कॉन्फिडेंस भी बनता है. मैंने कहा आसान क्वेश्चन में जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो उनकी साइमल्टेनियसली फिलिंग करा करो, उसी समय कर दिया करो. ठीक है, जो मीडियम क्वेश्चन है, मीडियम क्वेश्चन क्या होते थे, जो आपको लगता था कि आपको आते हैं, करने बैठे नहीं हुए. ठीक है, हो सकता है वो टफ टॉपिक का हो, लेकिन तुम्हें लगता है कि यार कि बीट फ्रीक्वेंसी मैंने कई बार क्वेश्चन करे, आता है, करने बैठे नहीं हुआ, मींस आपके लिए मीडियम हो गया. टफ क्या होता है, देखते ही पल्ला ना पड़ा. मान लो YDSC, कुछ बच्चों को यंग डबल स्लिट देखते ही ना हवाई नहीं लग रही क्वेश्चन की, राइट, तो वो टफ है. तो जो आपके मीडियम के क्वेश्चन थे जो आपसे सॉल्व हो गए, तो उसको और कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, विद कॉन्फिडेंस, ठीक है, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप इसको साइमल्टेनियसली भरिए. लेकिन ऐसे मॉडरेट क्वेश्चंस जिनमें आपको लगा कि दिक्कत हो सकती है, दो बार चेक करने के बाद ही उसको भरिए. ठीक है, और टफ क्वेश्चन के लिए तो मैं कहूंगा नो गेस वर्क. कुछ बच्चों को लगता है यार तीन क्वेश्चन लप्पे मार देते हैं, ठीक हुए तो ठीक है 12 मार्क्स मिल जाएगा, नहीं तो माइनस 3 ही तो जाएगा, जाने देते हैं. बेटा एक एक मार्क्स में बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन समझ आएगा. ठीक है, हम लोग उस चीज से गुजर चुके हैं तो हमें वो गड्ढा पता है. ठीक है, एक एक मार्क इंपॉर्टेंट होता है, तो प्लीज उसको ऐसे मत जाने दीजिए. आप एग्जाम के बाद रिग्रेट खाएंगे कि आपने क्यों तुक्का मार दिया, क्यों गेस कर लिया उस चीज को. ठीक है, तो मेरी ये मानना है कि जितना आता है शिद्दत के साथ, अगर आप लिमिटेड समय जो आपको दिया गया अगर उसमें खत्म कर लेते हैं तो जिंदगी भर आपको इस चीज का रिग्रेट नहीं होगा. तो ओवरऑल इन अ नटशेल अगर मैं बात करूं तो नेगेटिव मार्किंग क्वेश्चन रीड करने की वजह से था, तो उसके लिए आप रीडिंग हैबिट बढ़ाइए और फोकस आपका बढ़ जाएगा. ठीक है, दूसरा आपका था कि क्वेश्चन के कंसेप्ट तो अच्छे से रिविजन होने चाहिए. अप्रोच के लिए क्या करा, टीचर का हमेशा फर्स्ट स्टेप पे फोकस करिए कि टीचर यही क्यों कर रहा है. इतने सारी चीजें थी, इंटीग्रेशन था, डिफरेंशिएशन था, स्लोप था, ठीक है, नॉर्मल काइनेमेटिक्स की इक्वेशन थी, वो क्यों नहीं करा, ये क्यों करा, राइट, वो हिट करिए. कैलकुलेशन में जब आप कर रहे हैं प्रैक्टिस तो आपको पता लग जाएगा कैलकुलेशन के इश्यूज हैं, तो आप कैलकुलेशन में क्या करिए, जहां जहां पर आपको लगता है कि अगर आपको लगता है आप इक्वल टू के उस साइड ले जाने वाली गलतियां ज्यादा करते हैं, फोकस बढ़ा दीजिए. अगर आपको लगता है स्क्वायर रूट या फिर क्यूब रूट करने में गलतियां करते हैं, फोकस बढ़ा दीजिए. आपको पता है, आपको आपकी सारी कमियां पता है, बस आप चाहते हैं कि हम आपका हाथ पकड़ के उसको ठीक कराएं, नहीं, हम आपको बता सकते हैं, करना आप ही को है. और आखिरी फीलिंग, तो मैंने कहा कि जो आपको लगता है कि कॉन्फिडेंटली एक बारी में आंसर आ गया उसको उसी समय करिए, अदरवाइज लास्ट रश में क्या होता है, आप इधर उधर आंसर मार्क करते हैं और फिर रिग्रेट करते हैं लाइफ टाइम, राइट. मीडियम क्वेश्चंस जो आपको लगता था आपका आते हैं, आपने सॉल्व किया और हो गए, ठीक है, 2000 मीडियम क्वेश्चंस कॉन्फिडेंट है मार्क कर दीजिए. लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो एक बार सेकंड राउंड में जब आप रिवीजन करेंगे तब आप उसको करिए, ठीक है, और टफ क्वेश्चन में नो लप्पा, राइट. तो दीज आर ऑल दी केसेस, बिल्कुल खोल के बढ़ा दिया इसको भी, है ना. तो ये सारी चीजें थी जो आपको ध्यान रखनी है बेटा. तो आई होप आपको कुछ चीजें, जहां पर आपको लगता है कि आपकी ये दिक्कत है, प्लीज उसको थोड़ा सा और इंप्रूव करिए. एंड मैं बता रहा हूं, जब आपके नेगेटिव मार्क की कंट्रोल हो जाएंगे आपके अंदर और कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, और अगर आप और कॉन्फिडेंस के साथ रहेंगे तो डेफिनेटली आगे ही बढ़ेंगे, राइट. तो प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन हमेशा फाइट मारते रहिएगा, पूरी टीम आपके साथ है. एंजॉय योर स्टडीज, कीप योरसेल्फ सेफ, कीप योर फैमिली सेफ, एंड ऑल द बेस्ट.